आज इकोसिस्टम की एक क्विज लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दानसप्ट ऑफ एन इको सिस्टम वॉज फर्स्ट फार्मोली प्रपोज बाई द इंग्लिश बोटनिस्ट इको सिस्टम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले टेंसले ने दिया था ऑप्शन सी इज़ करेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इको सिस्टम वॉज फर्स्ट फार्मोली प्रपोज बाई द इंग्लिश बोटेस्ट टेंटीन थर्टी फाइव तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा टेंसले कल मैंने बताया था कि इकोलॉजी वर्ड वाज़ क्वाइंड बाय हेकल इन 1869 एंड वाज़ क्वाइंड बाय टेंसले इन 1935 तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन सी टेंसले तो हैकल इकोलॉजी टेंसले इकोसिस्टम ऑप्शन सी इज करेक्ट इको सस्टम कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स बोथ दोनों से मिलके एको बनता है एबायोटिक में आते हैं टेम्परेचर लाइट सोइल वाटर इन सब से मिलके बनता है इकोसिस्टम और बायोटिक में आते हैं प्रोड्यूसर्स कार्निवोर्स हरबीवरस इन सब से मिलके बनता है इको तो इको में ए भी आते हैं इको में बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं यानी कि बोथ विल बी आंसर ऑप्शन सी बोथ इज द करेक्ट आंसर तो ये इको कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ करेक्ट होगा क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कम्पोनेंट शामिल होते हैं तब बनता है इको तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इट इज़ ट्रू प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सन से एनर्जी लेते हैं हालांकि वो जो सन से एनर्जी लेते हैं उसका केवल एक परसेंट ही इस्तेमाल कर पाते हैं और उस एक एनर्जी से लेकर के जितना भी बायोमास बनाते हैं जितना भी प्रोड्यूस uh, करते हैं जितना भी वो एनर्जी बनाते हैं उसका दस परसेंट आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर uh, जाता है तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी इकोसिस्टम का बेस देखते हैं ख़ासतौर से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बेस पर होते हैं प्रोड्यूसर्स दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड दे टेक लाइट फ्रॉम दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम के लिए सन ही सबसे अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का तो इट इज एनर्जी इज बीइंग टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स ये बेस पर होते हैं और इनको uh, खाते हैं हरबी तो प्रोड्यूसर्स आर एट बेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटो आर प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इट इज अगेन एब्सोल्युटली ट्रू जो फाइटो होते हैं यानी कि जो एलगी होते हैं मोस्टली प्लैक्टन्स आर मोस्टली एलगी ये एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि ओशियन में पॉन्ड में लेक्स में ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बेस पर ग्रास होती है ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसी प्रकार से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर बेस पर होते हैं फैटो तो ये सेंटेंस भी एकदम ट्रू है बिल्कुल सही है और यहाँ इस एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे ओशियन इज़ द एक्वेटिक इकोसिस्टम और ये लार्जेस्ट एंड स्टेबल इकोसिस्टम है और यहाँ पर ही ये एल्गी होती हैं और ये सेंटेंस एकदम ट्रू है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेट्रोट्राफ्ट क्या होंगे फंजाई ये भी हेट्रोट्राफ्ट होते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करते हैं डिकम्पोज़र्स होते हैं एनिमल्स भी हेट्रोट्राप्स होते हैं क्योंकि इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्टो हो नहीं होता तो दे कैन नॉट फॉर्म द फूड तो ये भी हेट्रोट्राप्स uh, होते हैं मोस्ट बैक्टीरिया आर आल्सो डिकम्पोजर्स तो ये भी हेट्रोट्राप्स हुए तो ये तीनों ही हेट्रोट्राप्स होते हैं इनमें से कोई भी आट्रोट्राफ नहीं है ये तीनों ही हेट्रोट्राप्स हैं और इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल तो फंजाई एनिमल्स मोस्ट बैक्टीरिया दे आर ऑल हटेट्राफ्स दे नन ऑफ देम इज एन ऑटोट्रॉफ इनमें से कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है ये सारे हेटरोट्रॉफ्स हैं सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी ऑल अर्थवम्स आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ डिट्राइवोर्स आपको पता होना चाहिए कि ऑमनी वो होते हैं जो सब कुछ खाते हैं ये हर्बी भी हो सकते हैं ये कारनीबोर्स भी हो सकते हैं जैसे मैन हम लोग ह्यूमन बीइंग इज़ एन इज़ एन ऑमनीबोर हर्बी वो होते हैं जो ग्रास को खाते हैं ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बी होते हैं कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं मांसाहारी होते हैं तो ना तो अर्थवर्म ऑमनी होता है ना ये हरबी होता है ना ये कार्निवोर्स होता है इट इज़ डेट्राइवोरस ये डेटरीबोर्स होते हैं क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर लिटर पत्ते गिरी हुई फल पत्ते इनको खाता है तो ये इट डिपेंड्स ऑन डेट्राइटस सो इट इज़ डेटरीबोर्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस मेटाबोलिज्म दैट इज रेस्पिरेशन सो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं इसमें से अगर मेटाबॉलिक रेट को कम कर दिया जाए मेटाबॉलिज्म को कम कर दिया जाए रेस्पिरेशन को कम कर दिया जाए जितना ऑर्गेनिज्म ने अपनी मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल किया उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब रेस्पिरेशन को या मेटाबॉलिज्म को हम कम कर देते हैं तब उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी पी सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी GPP पी पी माइनस रेस्परेशन टोटल बायोमास फोटोसिथेटिक ऑटोट्राफ प्रजेंट एट ए गिवन टाइम एक दिए हुए समय में जितना भी फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्राफ का टोटल बायोमास होता है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं तो ना तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ना ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है और ना ही ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है तो एक दिए हुए समय में एक ट्रॉफिक लेवल पर यानी कि बेस पर जितना फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्राफ्स एक दिए समय दिए हुए समय में मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप और ये स्टैंडिंग क्रॉप का क्वेश्चन अक्सर कंपटिशन्स में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग टोटल बायोमास ऑफ़ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्राफ्स प्रजेंट एट अ गिवन टाइप एक दिए हुए समय में जितना फोटोसिंथेटिक ऑटोग्राफ का टोटल बायोमास होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप ऑप्शन सी इज करेक्ट इन इकोसिस्टम्स एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली। डायरेक्शनली एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता इट इज ऑलवेज अपराइट एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सन की वन परसेंट एनर्जी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और इस एनर्जी का 10 परसेंट हर ट्रैफिक लेवल पर पहुंचता है 90 परसेंट वो उसी ट्रैफिक लेवल पर समाप्त हो जाता है यानी कि अगर 10 एनर्जी ए, एक परसेंट आई तो इसका वन अपॉइंट टेन पहुँचेगा हरबी बोर्स पर उसका वन एडपॉइंट टेन प्राइमरी कार्डनी बोर्स पर और उसका वन अपॉइंट टेन टॉप कार्डनी बोर्स पर तो जितनी ट्रैफिक चेन लंबी होगी फूड चेन जितनी लंबी होगी उतनी ही कम एनर्जी टॉप कार्निवोर्स के पास पहुंचती है तो इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लोज यूनी डायरेक्शनली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनीशनल एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनी डायरेक्शनली कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाई लिंडमैन ओडम ने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया रिटर्न ने भी नहीं दिया टेंसले ने भी नहीं दिया दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाई लिंडमैन और ये दस क्वेश्चन जो इको सिस्टम के बारे में मैंने बताया इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटिशन्स में तो इनको आप तैयार रखिएगा आगे आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे तो ये क्विज़ यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं कल हम लोग एक नई क्विज़ के साथ आपसे मिलेंगे इको सिस्टम के बारे में तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य समझ में आया होगा Thank you so much. See you tomorrow with a new quiz.